हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? ये वीडियो हमारा जावा पैकेज पर बेस्ड है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जावा के अंदर पैकेजेस कैसे वर्क करते हैं और किस प्रकार से इनको यूज़ किया जाता है। सबसे पहले तो मैं ये आपको क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों कि जावा में पैकेजेस जो होते हैं वो लगभग सी और सी प्लस प्लस की हेडर फाइल्स, जिन्हें हम लाइब्रेरी फाइल्स भी कहते हैं या लाइब्रेरी भी बोलते हैं, सेम लगभग उसी प्रकार से होते हैं। बट इसके कॉलिंग का तरीका थोड़ा अलग होता है। हालांकि लॉजिक दोनों का एक ही है कि अपनी खुद की लाइब्रेरीज को बनाकर अलग से रखना और फ्यूचर में एज पर रिक्वायरमेंट उसे कॉल करना, ये जावा के पैकेज का मैकेनिज्म कहलाता है। तो जैसा कि हम डेफिनेशन देख पा रहे हैं, जावा पैकेज इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेज। तो जैसे ही हम किसी जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं दोस्तों, तो कंपाइल करने से उसकी क्लास फाइल बनती है। तो इसी प्रकार से हम क्लास फाइल्स को इकट्ठा करते जाएं और किसी एक फोल्डर में या डायरेक्टरी में कॉपी करके रखें, और ग्रुप ऑफ क्लासेस को हम फ्यूचर रेफरेंस के तौर पे काम में ला सकते हैं। और इसी प्रकार से जो पैकेजेस होते हैं उसमें क्लासेस भी होती हैं दोस्तों, इंटरफेस भी होता है। तो चूंकि इंटरफेस थोड़ा सा आगे का टॉपिक है, तो इंटरफेस से आप बस इतना ध्यान रखें कि मल्टीपल इनहेरिटेंस डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जो टेक्निक होती है उसे हम इंटरफेस बोलते हैं। एंड सब पैकेजेस मीन्स सब पार्ट ऑफ पैकेजेस, इट मीन्स देर आर थ्री काइंड ऑफ एक्टिविटीज और थ्री काइंड ऑफ एंटिटीज इन अ जावा पैकेज। व्हाट? वन इज क्लासेस, पहला नंबर ऑफ द क्लासेस, सेकेंड नंबर पे हो सकता है उसमें इंटरफेसेस एंड सब पैकेजेस। और जो पैकेजेस होते हैं जावा में कैन बी कैटेगराइज इन टू फॉर्म्स। एक तो होते हैं बिल्ट इन पैकेज जो ऑलरेडी होते हैं, ठीक है, जैसे कि जावा डॉट लैंग पैकेज, जैसे कि जावा डॉट यूटिल्स पैकेज, और एक होता है यूजर डिफाइंड पैकेज। तो आज हम जो जो डेमो देखेंगे वो होगा यूजर डिफाइंड पैकेजेस का। एंड जो इनबिल्ट होते हैं उनका एग्जाम्पल दे रखा है, जावा डॉट लैंग है, ए डब्ल्यू टी है, जावा एक्स है, स्विंग है, नेट है, आई ओ है, यूटिल है, एसक्यूएल है इत्यादि। तो चलिए दोस्तों, हम एक पैकेज बनाते हैं और देखते हैं किस प्रकार से ये वर्क करता है। इसके लिए हम एक काम करेंगे, हम डेस्कटॉप पर एक डायरेक्टरी या फोल्डर बना लेते हैं जिसमें हमने हमने कह दिया कि आवर जावा, ठीक है, ये हमारे डायरेक्टरी का नाम है। ये अभी इस समय एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो चलिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं दोस्तों। सारा कोड सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं और फिर उसके बाद में यहाँ हम कोड करते हैं। मैंने कहा मेरे प्रोग्राम का नाम है माई लॉजिक। अब मैं यहाँ पर अपना एक लॉजिक लिखता हूँ और उस लॉजिक के अंदर मैं दोस्तों क्या करता हूं, void show, मैंने यहां पर कुछ टास्क परफॉर्म करवाए, जैसे कि दोस्तों मैं यहां पर क्या करता हूं, कुछ प्रिंट करवा देता हूं। एक बार लॉजिक कुछ भी था, ब्ला ब्ला वॉट एवर, यहां पर मैंने कहा हेलो आई एम फ्रॉम शो फंक्शन, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैं इसको कॉल कर सकता हूँ, या तो यहाँ से कॉल कर लूंगा, नहीं तो देखिए इसका यूज देखिएगा दोस्तों क्या होता है। और पैकेज को डिक्लेयर करना, मान लीजिए मेरा कुछ लॉजिक था, इस शो के अंदर मैं कोई कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं कोई कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मैंने कैलकुलेशन की, तो मैं इसको एज ए फ्यूचर इस फंक्शन को कहीं यूज करना चाहूंगा आगे चलकर, या इसके कंस्ट्रक्टर के थ्रू या ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, पहले तो इस लॉजिक को सेव करता हूँ। जैसे जैसे कंपाइल होगी तो डॉट क्लास फाइल बनेगी। तो चलिए मैं प्रोग्राम को सेव करता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ और प्रोग्राम का नाम देता हूँ क्या, आवर जावा, और प्रोग्राम का नाम देते हैं दोस्तों लॉजिक टेस्ट, ठीक। लॉजिक टेस्ट नहीं देखकर इसको देंगे माई लॉजिक। क्लास का नाम है क्योंकि मेन फंक्शन इसी क्लास में। याद रखिएगा दोस्तों, एक प्रोग्राम में एन नंबर ऑफ क्लासेस हो सकती हैं। वो क्लासेस सुपर एक हो सकती है, सब मल्टीपल हो सकती हैं क्लासेस, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हम ये सोचें कि जावा के अंदर सिर्फ एक ही क्लास होती है या सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में दो क्लासेस होती हैं, या एन नंबर ऑफ क्लासेस हो सकती हैं। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, प्रोग्राम का नाम उसी नाम से सेव होगा जिसमें उसका मेन मेथड होगा।
तो इसको सेव कर देते हैं और यहाँ पर हम पैकेज का नाम लिखते हैं। तो पैकेज क्या है, डायरेक्टरी बेस्ड हायरार्किकल सिस्टम रहेगा। जैसे मैंने आपको दिया एक्स डॉट वाई, तो क्या होगा जहाँ पर भी ये प्रोग्राम सेव है, ये मेरा प्रोग्राम जो सेव है दोस्तों, ये माई जावा के अंदर सेव है, सॉरी अवर जावा के अंदर सेव है, यहीं पर जब ये कंपाइल होगा तो एक एक्स नाम से डायरेक्टरी बनेगी और उसके अंदर एक बनेगी वाई नाम से डायरेक्टरी, और एक्स के अंदर जब वाई बन जाएगी तो वाई के अंदर कौन चला जाएगा, माई लॉजिक डॉट क्लास फाइल, क्योंकि जावा फाइल है, जावा फाइल कंपाइल होकर बाइट कोड में कन्वर्ट होती है और बाइट कोड हमारा क्लास होता है। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं, अभी कुछ आउटपुट नहीं आएगा, बस ये कंपाइल होकर रह गया, ठीक है जी, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं हुआ। तो हम जाके टेस्ट करते हैं क्या हुआ। हमने जाके देखा दोस्तों यहाँ पर एक साथ में एक्स नाम से डायरेक्टरी बन गई, एक्स के अंदर हमने देखा वाई बन गई, वाई में हमने देखा क्या एक क्लास फाइल आ गई, आ गई। तो बस हमें बस इतना सा काम करना है, जो भी हमारा प्रोग्राम है ना, वो यहाँ रखा हुआ है। ये तो थी सोर्स फाइल, इसको हम बोलते हैं दोस्तों सोर्स फाइल, कौन सी सोर्स फाइल, ये वाली सोर्स फाइल, ठीक है, ये कंपाइल हुई तो ये बना। तो चलिए हम एक काम करते हैं, इस पैकेज को कॉल करते हैं, एक फाइल ले लेते हैं। तो क्या किया सर ने, यहाँ से ये छोटा सा जो एरो आ रहा है यहाँ क्लिक किया, जावा क्लास पे क्लिक किया, सेलेक्ट किया, डिलीट किया और यहाँ कर दिया कॉल पैक, कॉल माई पैक, कॉलिंग करने का तरीका इस प्रकार से रहेगा, एक्स डॉट वाई डॉट क्या स्टार, ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, माई लॉजिक क्लास का, एम एल ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया एम एल। अब हम एक काम ये भी कर सकते थे, क्या हम यहां पर ये भी लिख सकते हैं, हम ये भी कर सकते थे, क्यों कर सकते थे, क्योंकि हमने ऊपर से कॉल कर लिया उस क्लास फाइल को, तो हमारी सब क्लास बन सकती है। अभी अगर जब ये नहीं लिखते इस प्रकार से एक्सटेंड कीवर्ड, तो हमारी जो क्लास है, कौन सी क्लास, ये कॉल माई पैक, ये एक प्रकार की नॉन सब क्लास है, किसकी, माई लॉजिक फाइल की या माई लॉजिक डॉट जावा की, ये पुराना वाला प्रोग्राम पैकेज वाला, और ये सो हम कॉलिंग कर रहे हैं वो वाला प्रोग्राम, तो कॉल माई पैक, सेव करते हैं इसको कंट्रोल एस से, तो यही सेव कर दिया, ये लॉजिक बन गया। अब करना क्या है हमें, उसके फंक्शन को कॉल करना है, ml डॉट क्या शो फंक्शन था उसका, वो कॉल होना चाहिए, तो वो शो फंक्शन क्या था, कहाँ था, देखें जरा, ये रहा और ये रन हो जाना चाहिए। तो हमने क्या किया, माई लॉजिक क्लास को कॉल कर लिया, कॉल करके उसको हमने ये देखा कहाँ तक एक्सेस होता है। तो देखो दोस्तों दिक्कत आएगी बहुत सारी, जैसे कि सबसे पहले कहता है कॉल माई पैक डॉट जावा, यार ये सही नहीं है, रिसोर्स यहाँ पड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं रिसोर्स कॉल हो रहा है, रिसोर्स का मतलब सोर्स फाइल बैठी हुई है और पैकेज बैठा हुआ है। दूसरी बात ये कह रहा है कैनॉट एक्सेस, क्या कैनॉट एक्सेस माई लॉजिक, कहता माई लॉजिक को पहचान ही नहीं पा रहा। फिर मन में आया यार क्यों ना यहाँ पर एक बार एक्सटेंड करके देखते हैं, क्या पता पहचान ले, तो देखते हैं दोस्तों, नहीं दोस्तों अभी भी नहीं हुआ। तो हम एक काम करते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक चीज करते हैं, क्या पहली बात तो ये, जो भी हमारा प्रोग्राम होता है याद रखिएगा दोस्तों, जो भी हम पैकेज बनाते हैं, जो भी पैकेज बनाते हैं, आप पब्लिक टाइप के बना सकते हैं, बनाना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि फिर वो पब्लिकली एक्सेस भी होना चाहिए। तो जो भी हमारे लॉजिक के अंदर क्लास फाइल थी ना, उसको क्या बनाना बेटा, पब्लिक, और जो हमारा फंक्शन था ना जिसको हम एक्सेस कराना है, वो भी क्या होना चाहिए, पब्लिक। और ये क्यों है पब्लिक, तो मैं लास्ट एक्सेस मॉडिफायर का एक चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, जिसके अंदर की चार प्रकार के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, अगर आप लोगों ने देखे हो तो आपको ध्यान से पता होगा कि सबसे ज़्यादा एक्सेस वाला एक्सेस मॉडिफायर होता है पब्लिक, उससे कम होता है दोस्तों क्या प्रोटेक्टेड, और उससे कम होता है डिफॉल्ट जो कि कभी लिखते नहीं है, और एक होता है कौन सा प्राइवेट, सबसे कम होता है जिसका एक्सेस, जिसका प्रिविलेज, जिसका स्कोप बहुत कम होता है, वो होता है प्राइवेट, और सबसे ज़्यादा किसका होता है पब्लिक। तो मोस्टली आप पब्लिक रख सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, पर अभी मेरा लॉजिक कुछ ऐसा है कि एक फंक्शन है जो कि क्लास के अंदर है, मेन फंक्शन से बाहर है, और उसको मुझे एक्सेस करना है तो मुझे उसे पब्लिक बनाना पड़ा। अगर मैं फंक्शन को पब्लिक बनाता हूँ दोस्तों, तो मुझे क्लास को भी क्या बनाना पड़ेगा, पब्लिक। इसलिए सर ने क्या किया, सेव करके एक बार कंपाइल किया, क्योंकि सर ने अभी पब्लिक वर्ड जोड़ा है ना, ये पहले सर ने नहीं लिख रखा था। तो ये पैकेज बन जाएगा, ये जो भी लॉजिक होगा वो यहाँ पहुँच जाएगा, एक्स की डायरेक्टरी में, वाई की डायरेक्टरी में जाके माई लॉजिक डॉट क्लास फाइल आ जाएगी। तो सर ने यहाँ पर रन किया और इसको एग्जीक्यूट करके छोड़ दिया और कुछ नहीं किया।
तो वहां पर अपने आप अपडेट हो गई फाइल। तो यहां पर अफसर ने क्या किया, देखा क्या पता पब्लिक लिखने से कुछ हो जाए, नहीं कुछ नहीं हुआ दोस्तों। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या करना है तुम्हारे को, ये जो सोर्स फाइल है देख रहे हैं आप माई लॉजिक, इसको उठा के कहीं और आप सेफ जगह पे रख लीजिए, कुछ मत करें, बस दैट्स इट, इतना सा काम करना है। क्या किया सर ने, जिस फाइल में लॉजिक था पहले, पहले वाली फाइल बनाई थी हमने स्टार्टिंग वाली, याद है माई लॉजिक, अभी क्या कहने लगा, दिस फाइल हैज बीन डिलीटेड आउटसाइड द एप्लीकेशन, इग्नोर, डू यू कीप द सेम इन एडिटर। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं इसकी, तो वो बंद हो गई। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि सर ने जो मेन सोर्स फाइल थी जिससे वो कंपाइल हुआ था प्रोग्राम, और वो एक्स बना, और एक्स में क्या बना वाई, और वाई में क्या बनी क्लास फाइल, तो उसकी जो सोर्स फाइल थी ना उसको आप कट करके कहीं और रख ले, तो मैंने उसको बाहर रख लिया। डिलीट मत कर देना दोस्तों, क्योंकि कई बार हमें एडिट करने होते हैं तो हम सोर्स फाइल कहाँ से लाएंगे, ये तो कंपाइल होने के बाद में क्या बनती है, बाइट फाइल, बाइट कोड बनता है। इसी प्रकार से इसके ठीक पास में मैंने क्या कर लिया, जिसमें हम कॉल कर रहे हैं उस क्लास को रख लिया। तो चलिए दोस्तों हमने क्या किया यहाँ पर, अब हम देखते हैं कॉल करके, अब शायद ये रन हो जाए। यस, ये रन हो गया, और यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों, हेलो आई एम फ्रॉम शो फंक्शन। तो याद आया दोस्तों, वहां पर हमने बॉडी में क्या लिखा था, हेलो आई एम फ्रॉम शो फंक्शन। तो अगर कोई लॉजिक होता कैलकुलेशन का, इनपुट का, कुछ भी किसी प्रकार का भी कोई लॉजिक होता तो वो यहाँ से कॉल हो जाता। तो सर ने क्या किया, एक तो एक्सटेंड लगा के दिखाया, आज सर बिना एक्सटेंड के चला के दिखाते हैं कि पब्लिक का स्कोप कितना है। देखो बेटा, पब्लिक का स्कोप बिना, यानी कहने का मतलब नॉन सब क्लास तक होता है क्या, देखिए जरा, हाँ होता है। तो सर ने याद करो, क्लास भी पब्लिक बनाई थी और क्या बनाया था, फंक्शन यानी मेथड भी पब्लिक बनाया था, भाई कॉल हो रहा है। तो ये बेटा कॉल कैसे हुआ, इम्पोर्ट से। तो यहाँ पर हम इसका यूज क्यों करते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ कमेंट में, इम्पोर्ट कीवर्ड यूज टू इम्पोर्ट क्लास फाइल। ठीक है, ये हेडर फाइल की तरह काम करता है, कौन सा इम्पोर्ट। ठीक है, तो आपने सी में देखा होगा, आपने कभी शायद लाइब्रेरी बनाई है, नहीं बनाई, बट उन लाइब्रेरी फाइल्स को, हेडर फाइल्स को हैश इंक्लूड से कॉल करते हैं, यहाँ पर होता है इम्पोर्ट कीवर्ड। ठीक है ना, तो और ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है, एक्स की डायरेक्टरी में, वाई की डायरेक्टरी में डॉट लगा के स्टार का मतलब जितनी भी क्लास फाइल है सबको ले आओ। तो वाई के अंदर एन नंबर ऑफ क्लासेस हो सकती थी, तो जिसको जरूरत पड़ी उस क्लास को हमने कॉल कर लिया। कहाँ कॉल कर लिया, यहाँ ध्यान से देख लो, कन्फ्यूजन अगर किसी को हो रहा है, कॉल माई पैक एक पूरी क्लास है, मैंने यहाँ पर पैकेज वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, इस चीज़ का ध्यान कर लेना। मैंने यहाँ पर पैकेज वाली जो क्लास थी जिससे मैंने पैकेज बनाया था माई लॉजिक डॉट जावा, ये उसका ऑब्जेक्ट है, ना कि ये कॉल माई पैक का ऑब्जेक्ट है, समझना इस बात, डिस्टिंग्विश कर लेना ध्यान से। कई बार लोग देखते नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्लास ये वाली नहीं है, यहाँ पर ये वो क्लास है जो कि इम्पोर्ट की जा रही है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने देखा पैकेज कैसे होल्ड कर सकते हैं। तो अब आप एक काम कर सकते हैं, जितने भी आपके लॉजिक हैं आप सारे लॉजिक्स को एक फंक्शन में लिखें, क्लास में लिखें, कंपाइल करके देखें, और उसको दूसरे पैकेज में, सब पैकेजेस में या अलग प्रोग्राम के अंदर कॉल कर सकते हैं। याद रखिएगा, फंक्शन और क्लासेस क्या होनी चाहिए, हमेशा पब्लिक होनी चाहिए ताकि वो इजीली कॉल हो जाएं। और जब भी आप पैकेज को कॉल करें तो याद रखिएगा, सोर्स फाइल को पैकेज डायरेक्टरी के पास ना रखें। सोर्स फाइल कौन सी थी, माई लॉजिक डॉट जावा, इससे बना था ये एक्स डायरेक्टरी और वाई और उसके अंदर क्लास। तो सोर्स फाइल को कट करके कहीं सेफ जगह पे रख लें, डिलीट ना करें। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच, वीडियो को देखें, समझें, शेयर करें, थैंक यू।